कोविड-19 मरीज कटघर निवासी उपेंद्र कुमार अग्रवाल दिल्ली के बड़े अस्पताल को छोड़कर तीर्थंकर महावीर अस्पताल में भर्ती हुए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। उपेंद्र कुमार ने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए और TMU हॉस्पिटल को और उनके स्टाफ को धन्यवाद कहा। मैं उपेंद्र अग्रवाल, लाजपत नगर निवासी, मुरादाबाद। मेरा व्यवसाय सराफा कमेटी का तहसीलदार हूँ पिछले 8-10 साल से। मैं 20 तारीख को कोविड से संक्रमित हुआ था, उसके बाद मैं इलाज के लिए दिल्ली गया। दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, जहाँ मैं संतुष्ट नहीं हुआ, वहाँ पे अच्छा खासा बिल बना। जब मैं दिल्ली से वापस आया TMU, उस समय मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बहुत तेज़ बुखार था। 11 दिन से लगातार मेरे बुखार चल रहा था, चक्कर भी आ रहे थे और मैं एक तरह से बैठ ही गया था। तो यहाँ का स्टाफ मुझे कुर्सी पे बिठा के एक्सरे करा, उसके बाद एमरजेंसी के इंजेक्शन लगाए और ऑक्सीजन लगातार उन्होंने मुझे 4-5 दिन लगातार प्रोवाइड करी, जिससे कि मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। यहाँ के स्टाफ ने मेरी बहुत ही अच्छी तरह सेवा करी, बहुत साफ सफाई से रखा गया। यहाँ पे मुझे जो AC रूम मिला और उसमें मैं आराम से एक दिन रहने के बावजूद भी ऐसा लगने लगा कि अब मैं इस बीमारी से जीत पाऊँगा। उसके बाद साथ में मेरे मोबाइल हमेशा मेरे साथ रहा, जिससे कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं घर वालों से दूर हूँ, और मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ रहा। और घर वाले भी मुझे देख के निश्चित होने लगे कि मैं बहुत जल्दी सही होके और जल्दी ही घर आ जाऊँगा। इसके बावजूद भी उसके बाद मैं यहाँ पे, जब मैंने इलाज कराया तो यहाँ पे इलाज मेरा बहुत सस्ता रहा, दिल्ली के मुकाबले बहुत सस्ता रहा। कुछ थोड़ा बहुत ही बिल बना 77,000 का, टोटल AC रूम थे, स्टाफ ने बहुत मदद करी। और उसके बाद मैं आज पूर्ण रूप से सही होकर घर जाने की स्थिति में हूँ। और उसके बाद मैं अब कोशिश करूँगा कि 15 दिन बाद जब भी मुझे इस हॉस्पिटल को प्लाज्मा की ज़रूरत हो तो मैं आके, मेरे घर में सभी 6 लोग बीमार हैं और मेरा भाई भी इस समय दिल्ली में अभी एडमिट है, वो अभी सही होके नहीं आए हैं और वो भी जल्दी सही होके आ जाएंगे और वो सब लोग यहाँ आके प्लाज्मा देंगे और यहाँ पे आने वाले सभी मरीजों को उससे फ़ायदा मिलेगा।